नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, टोपी में, सॉक्स में, शूज़ में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा। बॉर्डर बनाने के बाद आप पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बुन लें और रॉन्ग साइड से सभी फंदे सीधे ही बुन लें। इस तरह हमारा बेस तैयार हो जाएगा और फिर तीसरे लाइन से डिज़ाइन बनना शुरू हो गया। तो तीसरे लाइन से हम दूसरे रंग का ऊन लगाएंगे, पहला फंदा दो और दो फंदा दूसरे रंग के ऊन से सीधा बुनेंगे, तीसरा फंदा स्लिप करेंगे, फिर अगले तीन फंदे सीधे, चौथा फंदा स्लिप करना है, फिर नेक्स्ट तीन फंदा सीधा, चौथा फंदा स्लिप करना है। इस तरह तीन फंदा सीधा बुनते हुए और चौथा फंदा स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। शुरुआत में हमने दो फंदा सीधा बुना था और लास्ट में भी दो फंदा सीधा आएगा। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ सभी फंदा उल्टा बुन लेंगे। डिज़ाइन का तीसरा लाइन अब पहले रंग के ऊन से चार फंदा सीधा बुनेंगे, एक, दो, तीन और चार, और पांचवा फंदा हमको स्लिप करना है, फिर अगले तीन फंदे सीधे और चौथा फंदा स्लिप करना है। स्लिप किए हुए फंदे के दोनों साइड वाले फंदे हमें बुनने हैं और बुने हुए फंदे का बीच वाला फंदा यानी दूसरा फंदा हमें स्लिप करना है। तीन फंदा सीधा बुनेंगे और बुने हुए फंदे का दूसरा फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा और बुने हुए फंदे का बीच वाला फंदा हम स्लिप करेंगे। इसी तरह पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में चार फंदा सीधा। शुरुआत में हमारा चार फंदा सीधा था और लास्ट में भी चार फंदा सीधा आएगा। रॉन्ग साइड से पहला फंदा उल्टा और फिर तीन फंदा सीधा, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और फिर तीन फंदा सीधा, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदा सीधा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे। पहला फंदा हमने उल्टा बुना था और लास्ट फंदा भी उल्टा ही बुनेंगे। लास्ट फंदा उल्टा। डिज़ाइन का फिफ्थ रो अब फिर पहले रंग के ऊन से ही दो फंदा सीधा, तीसरा फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा और चौथा फंदा स्लिप करेंगे। यानी ये स्लिप किए हुए फंदे के दोनों साइड वाले फंदे हमें बुनने हैं और ये तीन बुने हुए फंदे में से बीच वाला फंदा हमको स्लिप करना है। तो बीच वाला फंदा स्लिप कर दिया, फिर बुने हुए फंदे के दोनों साइड वाला फंदा सीधा बुन लिया, तीनों फंदे सीधे बुन लिए, नेक्स्ट स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, फिर नेक्स्ट स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, नेक्स्ट स्लिप करेंगे, तीन फंदा सीधा और फिर लास्ट के तीनों फंदे सीधे।
रॉन्ग साइड से पहला फंदा उल्टा, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट के दोनों फंदे सीधे। सिक्स्थ रो और रॉन्ग साइड, पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे और बुना हुआ तीनों फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, बुना हुआ तीनों फंदा सीधा बुन लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट फंदा उल्टा बुनेंगे। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड, अब अपने दूसरे रंग के ऊन से चार फंदा सीधा, नेक्स्ट स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा, फिर स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा। ये देखिए, जहाँ डिज़ाइन बना है उसके ऊपर वाला फंदा स्लिप करना है, उसके बाद तीन फंदा सीधा बुनना है, फिर यहाँ डिज़ाइन बना है तो ये वाला फंदा हमें स्लिप करना है, फिर लास्ट के चारों फंदा सीधा। और रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे उल्टे बनाए जाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। नाइन्थ रो में दो फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा, तीसरा फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, और बुने हुए तीन फंदे में से बीच वाला फंदा हमें स्लिप करना है और अगला तीन फंदा सीधा बुनना है। बुने हुए तीन फंदों में से बीच वाला फंदा हमें स्लिप करना है और अगले तीन फंदा सीधा बुनना है। इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में दो फंदा सीधा। रॉन्ग साइड से पहला और लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे, बीच के सभी बुने हुए फंदे सीधा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। बुना हुआ सारा फंदा हमें सीधा बुनना है, पहला और आखिरी फंदे को छोड़ के, और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है। ग्यारहवां लाइन अपने पहले रंग के ऊन से ही चार फंदा सीधा, पांचवां फंदा स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा, चौथा फंदा स्लिप करना है। ये जहाँ डिज़ाइन बना है उसके दोनों साइड वाले फंदे हमें बुनने हैं और बुने हुए तीन फंदों में से बीच का फंदा हमें स्लिप करना है। और ये स्लिप किया हुआ फंदा था तो इसके दोनों साइड वाले फंदे, ये तीनों फंदे हमें बुनने हैं। नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा, नेक्स्ट स्लिप करना है, तीन फंदा सीधा, और लास्ट के चारों फंदे सीधे बना लेंगे। ट्वेल्थ रो और रॉन्ग साइड, पहला फंदा
उल्टा या स्लिप करेंगे, तीन फंदा सीधा और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे। स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे। इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनके तैयार है। 12 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। सामने से ऐसा दिखाई दे रहा है और रॉन्ग साइड से ऐसा। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।